हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। ये कविता कल्वर पंत के आधुनिक कवि नामक उनका जो काव्य संग्रह है उसमें पतझड़ शीर्षक से प्रकाशित हुई थी और युगांत जो पत्रिका है उसमें ये कविता इसी नाम से प्रकाशित हुई थी, यानी कि ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। कविता का पतझड़ शीर्षक इस कविता के विषय और भाव को भलीभांति स्पष्ट कर देता है। जिस प्रकार पतझड़ की ऋतु में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़कर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए पत्तों की कोपले जो है फूटकर वृक्ष को नवजीवन संदेश देने लगती हैं, उसी प्रकार पंत जी ने भी समाज की सड़ी गली पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर एक ऐसे सामाजिक जीवन और व्यवस्था का निर्माण करने की आकांक्षी हैं जो सभी प्रकार की विषमताओं, असमानताओं और शोषण चक्र से सर्वथा मुक्त और सर्वमुखी और वैभव संपन्न होगा। तो मुख्यतः पंत की जो ये कविता है उनमें उस पर समाजवादी और मार्क्सवादी जीवन दर्शन के प्रभाव को ये प्रकाशित करती है और समाजवाद के अनुसार सड़े गले और विगत के ध्वंस हो जाने से नवजीवन का नवसृजन ही संभव है। इसलिए इस वाली जो कविता है इसमें इन्होंने वर्तमान की विषम और शोषण प्रधान अन्यायी और अत्याचारी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए पहले वर्तमान समाज व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना नितांत आवश्यक है, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। तो हम इसे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है पुराने जो वृक्षों के पत्ते हैं उनको अप्रासंगिक मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं, व्यवस्थाओं का इन्होंने यहाँ पर प्रतीक माना है और वर्तमान में उनकी समाप्ति की कामना की है। ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्तस्त ध्वस्त, हे शुष्क जीर्ण, हे संसार के पीले पड़ चुके कमजोर पुराने पत्तों, तुम अब तुरंत झड़ जाओ। ध्रुत जरो यानी कि झड़ जाओ। अब पेड़ की शाखाओं से जुड़े रहने का मोह त्याग कर नीचे गिर पड़ो और कह रहे हैं कि क्योंकि अब तुम अपनी जीवन शक्ति खो चुके हो। देखिए, हे शुष्क जीर्ण, हे स्त्रस्त ध्वस्त, यानी कि तुम जो हो अब मोह त्याग कर गिर जाओ क्योंकि अब तुम जो है जीवन शक्ति खो चुके हो, तुम्हारे भीतर का जो रस है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम अब इतने निर्बल हो चुके हो कि अपने सहारे ऊपर को खड़े भी नहीं हो सकते हो, इसलिए तुम्हारा टूटकर नीचे गिर पड़ना ही वृक्ष के लिए कल्याणकारी होगा। हिम ताप पीत मधु वात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन। कहते हैं कि तुम अब विभिन्न ऋतुओं, शीत और ताप को सहने में असमर्थ हो गए हो। हिम ताप वीत मधुवात भीत, कि तुम जो हो ऋतुओं यानी कि शीत और ताप को सहने में असमर्थ हो गए हो। इसका प्रमाण यही है कि शीत और ताप को न सहन करने के कारण ही तुम पीले पड़ गए हो। तुम अब इसके प्रकोप, प्रहार और आघात को और नहीं झेल सकते हो। यानी वसंत के मादक पवन से तुम इसलिए भयभीत रहते हो, मधुवात भीत, मधुवात मतलब वसंत की जो मादक पवन है उससे तुम इसलिए भयभीत रहते हो, भीत मतलब भयभीत रहते हो कि वसंत की शीतल मंद वायु का स्पर्श तुम्हारे जीवन को नष्ट ना कर दे। इसी आशंका से तुम वसंत के आगमन की बात सोच कर ही भयभीत हो उठते हो। तुम वितराग जड़ पुराचीन, कहते हैं कि पतझड़ में वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत के आगमन के साथ ही उनके स्थान पर नए पत्तों की कोपले फूट जाती हैं। निष्प्राण विगत युग मृत विहग, जड़ नीड़ शब्द ओ श्वास ही। कहते हैं जीवित रहने की सारी शक्ति खो बैठने के कारण अब तुम्हारी सारी इच्छाएं जो है वो मर चुकी हैं, इसलिए तुम वितरागी से बन जड़ पदार्थ के समान गतिहीन और स्पंदहीन हो गए हो। अब तुम इतने पुराने पड़ चुके हो कि वृक्ष के लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। मृत विहीन विहंग यानी कि तुम जो हो कोई उपयोगिता तुम्हारी नहीं रह गई है और तुम अब इसके लिए बोझ बन गए हो, अर्थात अब ये पुराने पत्ते वितरागी व्यक्ति की भांति जीवन के सुख दुख के प्रति निरासक्त हो उठे हैं। यही पर है, तुम वितराग जड़ पुराचीन, आगे नहीं है।
ही तुम जो हो वो पुराने हो चुके हो और वृक्ष के लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। और कह रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब है, पेड़ उसे पत्तों को क्यों गिरने के लिए कह रहे हैं। उसका इन्होंने जीवन के सुख दुख के साथ तो इसको जोड़ा है, कहते हैं कि जो भी पुराने पत्ते हैं वो वितरागी व्यक्ति की भांति जीवन के सुख दुख के प्रति निरासक्त हो उठे हैं और जीवन के प्रति उनकी जो सारी आसक्ति है, लगाव है, वो समाप्त हो चुका है। उनकी सारी इच्छाएँ समाप्त प्राय हो चुकी है, अतः उनकी जीवित रहने का अब कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया और न ही संसार के लिए उनकी कोई उपयोगिता ही रह गई, अतः उनका अब नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पर इन्होंने वृक्ष को समाज और पत्तों को उनकी मान्यताओं और विश्वास आदि का प्रतीक माना है। और कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से कहना चाहा है कि वृक्ष के पुराने पीले पत्तों के समान अब हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था, उसकी रूढ़ियाँ, परंपराएं, मान्यताएं, विचार आदि सभी कुछ नए बदलते समाज के लिए अप्रासंगिक और अनुपयोगी हो गई हैं और जो कि उसके विकास में बाधा की बन रही है, इसलिए उसे उसका नष्ट हो जाना ही अच्छा है। आगे कहते हैं कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जड़ नीर शब्द ओ श्वास। कहते कवि कवि कहता है कि पुराने बढ़ चुके जीर्ण शीर्ण पत्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पत्तों, अब तुम बीते युग के समान मृत हो चुके हो। जिस प्रकार बीते युग की वर्तमान के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती, उसी प्रकार वृक्ष के लिए पुराने पत्तों का कोई महत्व नहीं होता। हे पत्तों, तुम उस मरे हुए पक्षी के समान हो, न मृत विहंग, विहंग मतलब पक्षी, कि मरे हुए पक्षी के समान हो जो चेतना शब्द और सासीन होकर अपने घोंसले से गिर पड़ा है। जगदीर शब्द ओ श्वासहीन, जो कि श्वासहीन होकर अपने घोंसले से गिर पड़ा है। चेतना शब्द और सासीन होकर अपने घोंसले से गिर पड़ा है, जिसके पंख होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अर्थात मरे हुए पक्षी के समान तुम्हारी चेतना जो है वो समाप्त हो चुकी है, तुम्हारी वाणी समाप्त हो चुकी है और सांसें भी बंद हो गई हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे पंख भी अब किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि वे अब तुम्हारे शरीर से टूट कर अस्त व्यस्त होकर इधर उधर बिखर गए हैं। फ्यूत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत हो विली। तो तुम्हारे पंख भी अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, वो जो है तुम्हारे शरीर से टूट कर अस्त व्यस्त होकर इधर उधर बिखर गए हैं। फिर अब ऐसी कौन सी जीवन शक्ति है जो तुम्हारे पास है, जिसके सहारे तुम वृक्ष से लगे रहकर इस पर बोझ बने रहना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें जो है इस पेड़ से अलग हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तो तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार इस वृक्ष से झड़कर उस परमात्मा अथवा पंच तत्व में विलीन हो जाना चाहिए, इसी में सबका जो है कल्याण नहीं है। आशय क्या है उनका आशय यह है कि पुराने युग की वर्तमान में निष्प्रयोजन मान्यताओं का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। पुरानी व्यवस्थाएँ आज जो हैं वो टूट रही है और स्थान पर नई मान्यताओं और व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। यदि पुरानी मान्यताएं व्यवस्थाएं बनी भी रहेंगी तो समाज में द्वंद्व और संघर्ष ही उत्पन्न होगा, इसलिए पुरानी मान्यताओं और व्यवस्थाओं का समूल विनाश आवश्यक है। यहाँ पर जो जीर्ण पत्र हैं उसे यानी कि पत्ते जो हैं उन्हें मृत पक्षी कहकर संबोधित किया गया है, जो कि समाज का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है। और स्पष्ट किया गया है कि समाज और जीवन तब तक सुस्थिर रहते हैं कि जब तक उसका प्रत्येक अंग सुस्थिर, स्वस्थ और जीवन उपयोगी तत्वों को ग्रहण करने और स्वयं अपना निर्वाह करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता का भी यहाँ पर खंडन किया गया है। कवि संदेश देता है कि अब हमें बीते हुए प्राचीन युग की मान्यताओं, व्यवस्थाओं और जीवन मूल्यों का मोह त्याग कर नए युग के अनुरूप नई मान्यताओं, व्यवस्थाओं और जीवन मूल्यों की यहाँ स्थापना करनी होगी। यहाँ पर पंत जी का जो है समाजवादी स्वर मुखरित हुआ है। यहाँ ये जो इनकी कविता है दूर जगत के जीत पत्र, इसमें उन्होंने समाज और समाज की मान्यताओं का यहाँ पे उन्होंने चित्र किया है कि समाज को है जो पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर वृक्ष के नए पत्तों के समान नई मान्यताओं को अपना लेना चाहिए। इसमें भाषा है संस्कृत ने शुष्क साहित्यिक साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार यहाँ पे सामरूपक है, विश्लेषण विप्रिय है और अनुप्रास, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश भी यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे की जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, मतलब इससे आगे एक पैराग्राफ और है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।